नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कल शाम को हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार रुकने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नजर अब महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और राहुल गांधी आज कोल्हापुर में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में वे शाम 6 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव उनके लिए रणनीति का हिस्सा है। वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कोल्हापुर में मौजूद रहेंगे जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये मूर्ति एक ऐसे नेता की है जहां पर उनकी याद में स्थापित की जा रही, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए। राहुल और प्रियंका गांधी जैसे नेता अलग अलग जगह पर यात्रा करेंगे और स्थानीय नेताओं से भी इस जिम्मेदारी संभालने की जो आदेश हैं वो दिए जाएंगे ताकि वे अपने तरीके से कार्य कर सकें। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार किया है और उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्यों माफ़ी नहीं मांगी। क्या ये आरएसएस से जुड़े लोगों को समझौता देने के लिए था या फिर शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान करने के लिए किया गया। कांग्रेस अभी के टाइम के महासचिव अगाड़ी गठबंधन का हिस्सा है और इसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इस गठबंधन का उद्देश्य चुनाव के अंदर भाजपा को हराना है और शरद पवार ने हाल ही में कहा कि उनकी गठबंधनवादी पार्टी को चुनाव में बहुमत मिलने का पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान में स्थानीय मुद्दों पर इम्पोर्टेंट देने का निर्णय लिया है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की स्थितियां शामिल बताई जा रही हैं, जिसके अलावा पार्टी शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों और परियोजनाओं पर स्थिति को लेकर ध्यान केंद्रित कर सकती है। राहुल गांधी का ये दौरा केवल कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक नई दिशा भी दे सकता है। उनका फोकस स्थानीय मुद्दों के साथ सामाजिक न्याय पर रहेगा, जिससे वो मतदाताओं के बीच अपनी पहचान को मजबूत कर सकेंगे। आज का कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी को लेकर सम्मानित करने के साथ साथ चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए करा जाएगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही। इस प्रकार राहुल गांधी का कोल्हापुर दौरा कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उनकी तैयारियों को एक आईना भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।